नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ एक ऐसी औषधी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जिसे बनाना बेहद आसान है और आप इसे अगर यूज़ करते हैं तो आपका शरीर जो है वो बहुत ही हष्टपुष्ट और बिल्कुल स्वस्थ रहता है, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होती है। एक तरीके से आयुर्वेद में कहा गया है कि जो इस औषधि को लेता है उसका जो शरीर है वो हमेशा हष्टपुष्ट और स्वस्थ तो रहता ही है, इसके साथ साथ उसकी आयु 100 वर्ष की होती है और ये आपके जीवन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज हम बनाने वाले हैं त्रिफला, वो भी बिल्कुल सही नाप के साथ में और सही तरीके से। कौन सी चीज़ कितनी आपको लेनी है, किस तरीके से लेनी है और इसे किस तरीके से आपने खाना है, यानी कि इसका सेवन कैसे करना है, किस रोग में किस तरीके से काम करता है, इन सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ घरेलू नुस्खे और इसी के साथ साथ बहुत टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो चलिए त्रिफला बनाना शुरू करते हैं। त्रिफला बनाने के लिए यहाँ पर आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि है आंवला, बहेड़ और हरड़। इन तीनों चीज़ों से मिलकर त्रिफला को बनाया जाता है, इसीलिए इसे त्रिफला कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीन फलों का मिश्रण होता है। ये तीनों बहुत ही ताकतवर फल हैं और बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं आपके किसी भी बीमारी को दूर भगाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने तीनों को जो लिया है तो इन्हें अच्छे से सुखा लिया है, थोड़ी धूप इन्हें ज़रूर दिखाएं ताकि ये हल्के से सूख जाएं और आपको इन्हें पीसने कूटने में आसानी हो। इससे पहले मैं आपको बताऊँ, मार्केट में जो आप त्रिफला मार्केट से लेकर के आते हैं उसमें यहाँ पर हरड़, बहेड़ा और आंवला तीनों बराबर मात्रा में होते हैं, तो ये आपके शरीर के लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि जब आप इसे बराबर मात्रा में लेते हैं तो ये आपके शरीर पर पूरे तरीके से फर्क नहीं करता है या पूरे तरीके से आपको फ़ायदा नहीं देता है, क्योंकि इसका जो सही तरीका है वो 1:2:3 का है। लेकिन इसको आप जो मार्केट से लेकर के आते हैं उसमें सारी चीज़ें जो होती हैं वो बराबर मात्रा में होती हैं। आगे वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि किसका कितना अनुपात रखना है ताकि आपको जो है पूरे फायदे मिलें। ये जानकारी बहुत ही दुर्लभ है, बहुत रिसर्च करने के बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ख़ुद यूज़ करने के बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से अगर आप त्रिफला बनाते हैं तो आपको 100% काम करता है, कोई भी बीमारी हो सारी बीमारियां दूर होती हैं। तो अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लेंगे सूखा हुआ आंवला, तीनों को आपने बराबर मात्रा में अभी लेना है, जैसे कि 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम बहेड़ा, 100 ग्राम आपको लेना है हरड़ को, तो तीनों को अभी तो बराबर मात्रा में लेना है, फिर कैसे यूज़ करना है वो आगे वीडियो में बताएंगे। सूखा आंवला किस तरीके से आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं इसका वीडियो मैं पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो आई बटन पर जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक से उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। बहेड़े के ऊपर जो ये ऊपर का इसका कवर जो होता है ना, इसके अंदर एक बीज भी होता है, तो उस बीज का इस्तेमाल आपने नहीं करना है, इसे कूट कर इसके बीज को अलग कर दें और इसके ऊपर का जो ये छिलका या गुदा होता है इसका इस्तेमाल यहाँ पर आपको करना है। और हरड़ को भी आप ज़रूर कूट लें, यहाँ पर मैंने छोटी वाली हरड़ का इस्तेमाल किया है। जब भी आप त्रिफला बनाएं छोटी हरड़ का ही इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, थोड़ी महंगी ज़रूर होती है लेकिन फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी हरड़ उतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती है। तो जब भी आप त्रिफला बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि छोटी हरड़ का इस्तेमाल आपने करना है और इसे भी कूट ज़रूर लें। किसी भी चीज़ को आप डायरेक्टली मिक्सी के जार में डालकर पीसना मत शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो जार पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत हार्ड होती हैं। इन्हें हल्का सा आप इमामदस्ते में कूट लें, उसके बाद पीस कर पाउडर बनाएं इनका, तभी जो है इनका पाउडर भी अच्छा बनता है और ये जो है रेमेडी बहुत अच्छे से काम करती है। यहाँ पर जो सारी चीज़ें मैंने ली है ना, इसमें एक काम और किया है मैंने कि इन्हें कूटने के बाद भी एक दिन की धूप ज़रूर दिखाई है। इससे क्या फ़ायदा होता है, आप जब बनाते हैं तो आपको बहुत लंबे टाइम तक ये ख़राब नहीं होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि आंवला का जो पाउडर होता है या त्रिफला जो पाउडर होता है उसमें दाने बन जाते हैं और कुछ टाइम के बाद वो जम जाता है, अगर आप अच्छे से सुखा कर बनाते हैं तो वो दिक्कत नहीं होती। मैंने आंवला, बहेड़ा और इसकी के साथ ये जो हरड़ है इन्हें अच्छे से सुखा कर उसके बाद इनका पाउडर यहाँ पर बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने आंवले को पीस कर तैयार कर लिया है, अब यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे बहेड़ा जो हमने इसके जो ऊपर ऊपर के हिस्से हैं उसको निकाल कर रखा है, और उसके बाद हम जो है धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को पीसेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान आपने पीसते हुए यहाँ पर रखना है कि जब भी आप इसे पीसें तो मिक्सी का जो जार है आपका वो गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी औषधि जब वो बहुत ज़्यादा हीट में वो संपर्क में आती है तो उसके गुण कम हो जाते हैं। इसीलिए मैंने पहले आपको कहा कि जब आप इन्हें बनाएं तो पहले कूट
मिनट ज़रूर लें ताकि मिक्सी पे ज़्यादा जोर ना पड़े और जार जो है वो गर्म ना हो। तो मैंने यहाँ पर आंवले को पीस लिया है, इसी के साथ मैंने यहाँ पर बहेड़े को पीस लिया है। अब हम हरड़ को भी इसी के अंदर पीस लेंगे। तीनों चीज़ों को अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है। अब आपको बताएंगे कि इसे किस तरीके से आपको बनाना है, यानी कि अनुपात कितना रखना है और किसका अनुपात कितना रखना है, ये भी अभी आपको बताएंगे। तो इन्हें मैंने यहाँ पर ले लिया है तीनों को, और इसी के साथ एक बड़ी सी यहाँ पर प्लेट भी ली है ताकि हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला पाएँ। तो यहाँ पर मैंने आंवले को पीस लिया, बहेड़े को पीस लिया और हरड़ को भी पीस लिया है। तीनों चीज़ों को अच्छे से पीस लिया है। अब एक प्लेट में हम एक चम्मच लेंगे। आप चाहें तो जो मेजर स्केल घर पे आता है, मतलब आप यूज़ करते हैं अगर, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं चम्मच से बता रही हूँ ताकि सभी को आसानी रहे इसे नापने में। तो यहाँ पर जो घर में हम नॉर्मली चम्मच खाना खाने के लिए यूज़ करते हैं, मैं उसी चम्मच से नाप रही हूँ। सबसे पहले लेंगे हम हरड़ को, इसे हम लेंगे 2 चम्मच, ध्यान रखना अनुपात का। उसके बाद हम लेंगे बहेड़ा और इसकी लेंगे हम यहाँ पर 4 चम्मच, ध्यान रखना है आपको जो क्वांटिटी बता रहे हैं उसी का ध्यान रखें। और अब लेंगे हम आंवला पाउडर, यहाँ पर आंवला पाउडर लेंगे हम 6 चम्मच। पहले आपने हरड़ को लेना है, फिर बहेड़े को लेना है और फिर लेना है आपने यहाँ पर आंवले को, 1:2:3 में। ये तीनों चीज़ों को आपने इसी तरीके से लेना है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने ली हैं, इन्हें छानना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो किसी कपड़े में छान लें, आप चाहें तो किसी छलनी में छान लें, क्योंकि कितना भी आप इन्हें पीस लीजिए थोड़ा बहुत ज़रूर रह जाता है। और आप इसे इसके अंदर दोबारा ना मिलाएं, इसको जो है आप दोबारा जब भी त्रिफला बनाएंगे तब इसे पीस कर तैयार कर लें, किसी डिब्बे में भर कर रख दें। और अब यहाँ पर आप देखिए कितना बढ़िया ये आपका एकदम पतला सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है, क्योंकि जब आप इसे खाते हैं तो ये थोड़ा सा कड़वा लगता है और अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं तो खाने में बहुत दिक्कत होती है। इसे आप किसी भी कांच के जार में भर के रख लीजिए, बस इसे हवा नहीं लगनी चाहिए, यानी कि किसी गीली चम्मच से आप इसे ना लें, और ये कभी भी ख़राब नहीं होता है। मतलब जब तक आपके पास रखा है तब तक बिल्कुल सही रहेगा, कभी ख़राब नहीं होगा, अगर आपने पूरी बातों का ध्यान रखा है, इसे अच्छे से सूखा कर पीसा है तो। अब आपको बताते हैं कि इसे आपको लेना कैसे। एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर इसे लेना है तो वो इसे रात को ले सोने से पहले। आप चाहें तो इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपको हृदय से संबंधित कोई बीमारी है, नेत्र से संबंधित कोई बीमारी है, रक्त से संबंधित कोई बीमारी है, कब्ज़ है, गैस है या पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो आप जो है इसे रात में ले और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। 1 चम्मच आपने लेना है, आप चाहें तो 1 गिलास पानी के साथ ले सकते हैं गुनगुने, आप चाहें तो पानी में डालकर भी पी सकते हैं, लेकिन डालकर पीना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप पहले 1 चम्मच खा लीजिए और उसके बाद ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। और अगर आपको जो है किसी तरह की डायबिटीज़ है तो भी आपको जो है इसे रात को ही लेना है। पेट से संबंधित कोई समस्या है तो आप इसे दूध के साथ लें, वो भी रात को 1 चम्मच, तो आपको काफ़ी आराम मिलता है। आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपके बाल अच्छे होते हैं, आपकी स्किन अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है आपको ये। और इसी के साथ साथ अगर आपका शरीर बहुत कमज़ोर है, आपको खाया पिया लगता नहीं है, तो भी आपको बहुत फ़ायदा करता है। अगर आपको मोटापा है तो इसके लिए आपने इसको सुबह में लेना है, सुबह गुनगुने पानी के साथ लें आप, या फिर आप अगर सुबह में खाली पेट नहीं ले सकते हैं, आपको नुकसान करता है या कोई दिक्कत है, तो आप इसे खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 चम्मच गुनगुने पानी से लें, मोटापा बहुत तेज़ी से कम करता है। किसी को दांत खाद या खुजली है तो भी आप इसे जो है दे सकते हैं, उनको बहुत आराम मिलेगा। अगर आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण में 5 ग्राम शहद और 10 ग्राम गाय का घी मिलाकर इसे लेते हैं तो आँखों में अगर किसी की मोतियाबिंद हो गया है तो वो भी ठीक हो जाता है। ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप सोचिए कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। शरीर में ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जिस पर ये काम नहीं करता है। आपके दिमाग का विकास करता है, शरीर का विकास करता है, पेट ठीक रखता है, हड्डियाँ मजबूत करता है, स्किन साफ करता है, खून को साफ करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अद्भुत फ़ायदे हैं इसके। आप अपने टाइम के हिसाब से, अपनी बीमारी के हिसाब से, या फिर अगर आप स्वस्थ हैं तो आप इसे रात में ले सकते हैं, जब आपको सूट करता है तब ले सकते हैं, लेकिन इसे लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप निरोगी जीवन जीना चाहते हैं तो इसे ज़रूर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अपने काम की लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस और घरेलू नुस्खे और इसी के साथ साथ कुछ अच्छी अच्छी और टेस्टी सी रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ या किसी नए घरेलू नुस्खे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।